हाँ हाँ सुंदर गणेश जी का मंदिर है, नवलगढ़ का फेमस गणेश जी का मंदिर है। इसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस मंदिर से, और यहीं से दर्शन करके हम लोग अपना नौ का शुरुआत करेंगे। तो आप भी गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं, हम लोग नवलगढ़ घुमाएंगे आज आपको। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अभी दोपहर का टाइम है और मंदिर के पट बंद है, इसलिए आपको ऐसे दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर सजा थोड़ा बीच में राम जी हैं क्या? ऊपर राम सीता, नीचे राधा कृष्ण। बीच में राम जी हैं ना? दूर दूर से सब लेके जाते हैं पेड़े। कितना साल से बना रहे हैं ये? 40 साल। ये राजस्थान के फेमस भी है। ये देखिए संक्रांति पे यहाँ स्पेशल पतंग की दुकान लगी हुई है, जहाँ अलग अलग पतंग है। इधर देखो, इधर देखो, बड़ी बड़ी पतंग ले रहा है, मतलब बड़ी अच्छी लगती है। पहले छोटी वाली ढूंढ रही है, पहले छोटी वाली चल दूसरी जगह। मैं खाऊंगी ये कैसे?
क्या वो है? हाँ रख दे तभी। पहल पढ़ रही है क्या? पेज भी पलट, पहल पढ़ो, पेज पलटो, क्या क्या है देखना है ना हमें। वाओ हवेली का पूरा बुक है ना, क्या क्या है हवेली का। अब देखते हैं रियलिटी में, रियल में बहुत देख लिया। वेल एरियो सेल्फी दहलीज बोलते हैं, मारवाड़ी तो मैम। इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अपने घर में होते आती है वो ऐसे इसकी पूजा करती है, ठीक है? तो अगाती है जो इस घर में आए तो इसकी लाज में रखूंगी, ठीक है? अपने जो घर की लड़ाई है वो नहीं थोड़ी है, इसके पार गई केस पाना रखा हुआ, तो अपनी घर की लड़ाई नहीं थोड़ी रखूंगी। और इसको अपन बोलते क्या, पॉली, तो पुराने टाइम की है पहल ट्राई करेगी, फोटो खींच रहे, मैं भी ट्राई करूंगी। रुको, राशि ट्राई कर रही है, राशि कैसा लग रहा है, ट्राई करके कैसा लगा? ये पहल बनाएगी, चल बना दिया, बनाने आता भी है तेरे को। चरखो देखो, चरखो, अरे चरखो भी नहीं है, चरखो इसे काटा जाता है, सूत चलता है, सूत सूत कपड़ा बनाने के काम आता है। और ये बैग बनाया, ये छोटा सा क्या है, टॉर्च जला के दिखाने दो, छुपम छुपाई खेलने की जगह छुपम छुपाई खेलते थे। कुछ नहीं मतलब अलमारी होगा, कितना क्यूट है यार। अंदर छोटा सा लाइट चलाओ ना,
अरे नहीं, मेरी फोन से टोर, इसलिए मैं आपको फोन की टोर से दिखा रही हूँ। देखिए पुराने जमाने की तिजोरी, लॉकर आज का इतना जाम हो गया होगा। और ये छोटा सा रूम होता था जिसमें तिजोरी को रखा जाता था, आज के जमाने का लॉकर, छोटा विंडो अलमारी और ऊपर भी छोटी छोटी विंडोज है, छोटे छोटे गेट है उसमें। इतना क्यूट है ये मौसी लगी हुई है फोटो खींचाने में, और ये एक मौसी फोटो खींच रही है और पहल उससे ज्यादा फोटो खींचो, बहुत अच्छी पोज लेके खड़े है, कोई फोटो भी नहीं खींच रहा। मासा जी को मक्खन, यहाँ पे मटकी ये होता था किचन परिंडा, यहाँ रखी जाती थी मटकी पानी की, ऊपर देखते मम्मा। जो घर के प्रांगण में होती थी, प्रांगण ही तो है। जोड़ी है लालटेन होती थी, ये क्या होती थी, ये सारी छोटे बच्चों की बच्चों की गाड़ी, और ये तिजोरी जो बहुत लोहा की बहुत भारी बनी होती थी, उठा लिया, बहुत ज्यादा भारी होती थी ये तो, इतना लोहा की बनी हुई थी। ये देखो ये क्या है, उनकी सीट है, ऊँट पे बैठते थे ना तो पहले ये सीट हुआ करती थी, है ना, ये दिखाओ, और ये बता मैं बता दूंगी, मेरे को बताइए। ओ वाओ, ये क्या था, बेड, बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, ये देखो ड्रेसिंग, उस जमाने में ड्रेसिंग होती थी बाबू, अरे वो मंजुली कहाँ जाएगी मंजुली का गुस्से में आ जाती थी ना, हाँ वो गुस्सा हो जाएगी मंजुली का। ये देखो ये छोटा सा और शोरूम, ये क्या, ये क्या शोरूम, ये क्या होता था, सिंदूर होगा इसमें शायद, पता नहीं क्या होता था, यहाँ पे पहले छुपती थी, पहले छुपती थी यहाँ पे, वो छुप गई उसको खोजेंगे छुप जाती है। ये भी स्टोर रूम था, ये देखो ऊपर, देखो देखो पहल जा रही है ऊपर बैठे, मजा आता था पुराने जमाने की हवेलियों में, और ये और बहुत पतली पतली भी है ये बेड, बंद कर दो अभी तो, उधर दीवार है, शेठानी शेठानी कर दिया पूरा दिन जाग से, मैं ट्राई करती हूँ लॉक है शायद, तक उठा दानी इसको, इतना ज्यादा हैवी था कि राशि ने इसको फाइनली उठा लिया, मैं नहीं उठा पा रही हूँ। हाँ लॉक, वाह, ये होती थी लालटेन, जब पावर नहीं रहता था तो इसको जलाया जाता, ये होती थी लालटेन, अरे पावर नहीं रहता था इसे जलाया जाता था। आई अब देखते हैं सफेदी का पिक्चर, देख अंदर किचन तवा कितना बड़ा, तेरी किचन इसमें रखी जाती थी रोटियां ऊपर टंगा के, दिल्ली या कोई खाए नहीं उसको, भाई साहब ये था तवा, पहले दिखा रहे ये था तवा और ये चूल्हा, नीचे से आग जलाई जाती थी लकड़ियां डाल के, और ये रेंग मौसी पे रोटियां बनाती थी, ये देखो चकला था, चकला था ये लकड़ी की बास्केट वगैरह, ये देखो लकड़ी की मसालदानी,
लकड़ी की मसालदानी होती थी, और ये देखो ये चिमनी छोटी सी, पहले पावर नहीं होता था अच्छा तो इसे ही जलाया जाता था, और ये भी कुछ है इसका मैं नहीं जानती। ऊपर ये सब कागज की बनी हुई टोकरियां हैं, यस ये सब कागज से बनाई जाती थी, और ये छोटी छोटी अलमारियां, ये छोटी छोटी अलमारियां जिसमें खाने का सामान रखा जाता था, छोटी छोटी अलमारियां, किचन चलो ऊपर जाती थी फोटो खींच, क्या थी सीढ़ियों के बीच में दूध छत्ती होती थी, दूध छत्ती मतलब सीढ़ियां लेते थे, दूध छत्ती मतलब क्या होता था, सीढ़ियों के बीच में होता था रूम, ये का रूम होता था सीढ़ियों के बीच में, दूध छत्ती बोलते हैं इसको, नीचे भी खाते हैं हम लोग सीढ़ियों के बीच में, हम लोग यहाँ बैठे जलेबी खाने वाले, जलेबी जलेबी खाने लगे, मतलब मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अभी आज मैंने इंडिया में यहाँ राशि करने वाली है डांस, हाँ इधर ये है फोटोग्राफी से ये फोटोग्राफी, ये क्या चीज की रूम है, अरे फोटोग्राफी तो करेंगे, देखो रूम, यहाँ से रानिया देखती थी नीचे का नजारा, रानिया बैठ के नीचे का नजारा देखती थी, कितना सुंदर नजारा रहा मगर, वाओ यार क्या सही है, देखिए कलर रूम घास में जोड़ते थे ऊपर में, ये देखिए कितना सुंदर लकड़ी का काम किया हुआ है सारा, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी, और भी जगह आ जाओ जाओ, यार मैं नीचे से फोटो खींचूंगी आप लोग का, रुक जाना सब ठीक है, नहीं यार नीचे से खींचूंगी, हाँ ठीक है दूसरी छत से खींचूंगी, मौसम भी बुला रही, रुको रुको रुको, सब नीचे चलो, किधर से आए वो तो दिखाओ यार, इतना खुफिया ये सब किधर से, मैं भूल गई किधर से, मुझे याद है कोई ना, ये देखो कटिगर, अरे मैंने छोड़ जाओगे, छोटा तो होगा नहीं, यहाँ से पूरा नजारा दिख रहा है, यही बैठ जाएंगे वाले वहाँ जाके गोलगप्पे, नीचे जाएंगे और इनसे खाएंगे गोलगप्पे, बाथरूम ये बाथरूम, अच्छा ऐसे होता था क्या, उस जमाने में नल नहीं होती थी, बोलो बोलो जमाने में नल नहीं होती थी, आगे जोर जोर आगे कंटिन्यू, अरे कंटिन्यू देखो तेरी शानदार, बोलो ना स्टूडियो सही है पूरा, ये होता था गाड़ी घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी, हाँ नहीं ऊंट गाड़ी ना, बैठ के जाती थी, ये घोड़ा गाड़ी है, ऊंट गाड़ी नहीं है, तो नहीं यहाँ पे ऊंट होती है राजस्थान में, तब बोला मैंने नो नो, पशुओं का बाड़ा होता था, चलो नीचे चलते बना लो, चलेंगे सब जगह चलेंगे,
नीचे नहीं जाने मिलता क्या? ये बता रहे बच्चा पूरा जानता है। कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर आसमान भी देखो यार। हाँ खोल के दिखा दो। ये बंद है। ओ, खुल गया खुल गया। मंजुलिका, अरे कहाँ है मंजुलिका? निकल 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 निकल। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ। मंजुलिका निकलती थी इससे। चलो चलो नीचे। अब पता चला कहाँ साथ छत पे बनाया जाता है। अच्छा स्विमिंग पूल है। हाँ तो वही तो स्विमिंग पूल हो गया, ना लड़ रहे हो तो। मैं स्विमिंग पूल के अंदर कूद गई। राशि स्विमिंग पूल के अंदर कूद गई बिना पानी के। दो कबूतर बैठे हैं। कहाँ पे? संदेश लेके जाते थे साथ में। मंजुलिका मंजुलिका ही चल रही है क्या यहाँ पे सब? ये देखो कबूतर है। ये रहा। बैक टू। चले चले चले। होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत गजब लगा मुझे। अरे यार ये बताओ तो कैसा था, बताओ हवेली हवेली कैसा था? वो पीरियड जाती थी तो अपने रूम के लॉक लगा के जाती थी। अच्छा ऐसा भी है क्या? सारी जगह मंजुलिका ही आ गई क्या? अरे वीडियो कैसा था ये बताओ। सॉरी मंजुलिका। अरे यार ये हवेली कैसा था? हवेली कैसा था? हवेली कैसा था? सबको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हवेली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया घूम के। थैंक यू दीदी। हाँ मौसी थैंक यू। अरे देखे रंगीन ग्लास भी लगे हुए इसमें। वाओ बहुत ही मजा आया दीदी देख के। पुराने जमाने का मतलब फील आ रहा है, पूरा एकदम फील आ रहा है कि हम लोग भी इस टाइम में हैं। अपना कंट्री का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मतलब जो भी बोल रहे हैं। चलो चले क्या बोले? अरे इसमें देखो क्या क्या इधर देखो। राजा रानी कहाँ से कहाँ का रास्ता आ रहा है? कहाँ से कहाँ आ रहे हैं पहले ये बता दो मुझे। वही छत वापस आ गया। डरावना। अरे वही छत वापस। बूम एक और खिड़की आ गया। बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि हम लोग उसी जमाने में जी रहे हैं। बहुत प्यारा होता था मगर अपना हिस्ट्री तो सच में बहुत मजा आया। वापस नीचे आएंगे सफर। इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां है। पहले दिखाई नहीं यहाँ पे लेन देन। इससे हवा डलता था ऐसे। देखो ये देखो हवा बताते हैं। देखिए यहाँ पे बैठते थे बहुत अच्छी हवा लगती है। ऊपर से ये पंखा इससे झुलाया जाता था। ओए पैर मंजुली का हुई तो क्या सही है। बैठती थी रानियां घर की लेडीज वहाँ पे बैठती थी और सुनती थी बातें। वहाँ से बैठ के बातें सुनती थी महाराज रहता था। ये देखो कत्ता सीनी के बाबा जी थे। 12 सीनी के कत्ता साल पुराना मंदिर है। 200 साल। 200 साल। ये है नवलगढ़ का फेमस 12 शिवलिंग का मंदिर। ऐसी चीजें बहुत कम नाम। घेर का मंदिर घेरे में है। 12 सीढ़ी।
महादेव आ रहे, मौसा जी आ रहे, शूज खोलो। नाम है घेर का मंदिर, क्योंकि घेरे के अंदर है शिवलिंग। आप अंदर जाके देखिए बच्चा, देखिए। हाँ देख सकते हो आप अंदर जाके। ठीक है, घेरे में बनी हुई है शिवलिंग्स। कितनी ग्यारह शिवलिंग्स हैं घेरे में बनी हुई है, 10 का तो घेरा है और एक बीच में। जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर शिव जी। इधर ग्यारह ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। Like the video.